पूर्णस्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते। शिवाय नमः शिवलिंगाय नमः। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। नारायण नारायण नारायण। ब्रह्म सूत्र 2.1.14 भामती टीका पृष्ठ 578 पंक्ति। अच्छा, एवमपि संकते तत्कार्यम अपि अनृतमेव इति। एवमपि न सत्यात् सत्यस्य सिद्धि उक्तेत्यर्थः। परिहति परिहरति अत्र ब्रूम। इस प्रकार असत्य से सत्य की सिद्धि संभव नहीं। यह कहा गया कार्य असत्य है, उससे सत्य की सिद्धि भला कैसे हो सकती है? इसका उत्तर दिया गया स्वप्न में प्यास लगती है, स्वप्न में जो जल प्राप्त होता है उसके पान से प्यास की निवृत्ति हो जाती है। व्यावहारिक धरातल पर स्वप्न के जल आदि की भी अर्थक क्रियाकारिता चरितार्थ है। स्वप्नावस्था में घटपट स्त्री पुत्र सूर्य चंद्र ग्रह नक्षत्र आदि का जो ज्ञान होता है व्युत्थान दशा में नींद टूटने पर यह नहीं कह सकते कि वह ज्ञान नहीं हुआ। घटपटादि अलीक होने पर भी घटपटादि का ज्ञान हुआ यही तो कहना होगा। असत पदार्थों से भी कार्य की सिद्धि होती है। असत का अर्थ यहाँ पर बंध्या पुत्रादि सदृश अलीक पदार्थ नहीं है, अनित्य को ही असत कहते हैं। स्वकाले सद्वत सद्वत भाति प्रबोधे सत्य असत भवेत नारायण। स्वप्नावस्था में स्वप्न प्रपंच सत शरीर सदृश होता है, स्वप्न टूट जाने पर स्वप्न पदार्थ मिथ्या सिद्ध हो जाते हैं, नश्वर सिद्ध हो जाते हैं। परंतु स्वप्न साक्षी की अनित्यता सिद्ध है। जागर हो चाहे स्वप्न हो चाहे सुसुप्ति हो, साक्षी तो एक ही रहता है। दृश्य के भेद से दृष्टा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती, अवस्था के भेद से भी साक्षी में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। तभी अनुभविता और स्मरता में सामानाधिकरण की प्रसक्ति या प्राप्ति होती है। जिसे अनुभव होता है उसी को स्मरण होता है। अनुभविता ही स्मरता होता है, सामे माता व मेरी माँ। जिसने माँ का अनुभव किया दर्शन किया उसी को कालांतर में स्मरण होता है, वह मेरी माँ। इस प्रकार से स्वप्न का स्मरण किसको होगा? स्वप्न के शरीर
तो स्वप्न तक ही सीमित रहते हैं। स्वप्न प्रपंच की अर्थक क्रियाकारिता स्वप्न पर्यंत ही है। स्वप्न में जो व्यवहार सिद्धि के लिए हमको शरीर प्राप्त होता है, स्वप्न टूट जाने पर वह शरीर तो उपलब्ध नहीं होता। इसका अर्थ है कि कोई ऐसा तत्व है जो जागृत का भी साक्षी है, स्वप्न का भी साक्षी है, सुषुप्ति का भी साक्षी है, और उसकी उपाधि जागृत में भी है, स्वप्न में भी है, सुषुप्ति भी है में भी है। क्योंकि अनुभव का जो संस्कार होगा, अनुभव का जो संस्कार होता है वह आत्मा में सन्निहित माना जाए या अंतःकरण में। नैयायिकों के यहाँ तत्पदार्थम पदार्थ के लक्ष्यार्थ का विवेचन स्फुट नहीं है। उनके यहाँ संस्कार आत्मनिष्ठ हो सकता है, लेकिन हमारे यहाँ सकल संस्कृति विकृति से आत्मतत्व अतीत है। तो स्वप्नावस्था में जो उपाधि होती है, स्वप्न के अनुभव के संस्कार उसी में पड़ते हैं। व्युत्थान दशा में वे संस्कार उद्बुद्ध हो जाते हैं, तब स्वप्नावस्था की स्मृति होती है। समाधि दशा टूट जाती है, लेकिन इतने समय तक मैं समाहित रहा, इस प्रकार की जो स्मृति प्राप्त होती है उससे भी माना जाएगा कि तीनों अवस्थाओं में उपाधि को लेकर भी एकत्व है, साक्षी को लेकर भी एकत्व है। उपाधि में संकोच और ह्रास विकास का क्रम तो चल सकता है, चलता है, लेकिन विलोप नहीं। विलोप होने पर तो स्मरता और अनुभविता, अनुभविता स्मरता का समानाधिकरण ही नहीं बनेगा। जैसे मैंने संकेत किया था कि जल की तीन अवस्था हो, एक अत्यंत घनीभूत अवस्था हो, हिम का रूप धारण कर ले सर्वतोभावेन जल, एक किसी अंश में द्रवता, किसी अंश में घनता, कुछ पिघलता हुआ बर्फ हिम, एक सर्वतोभावेन पिघला हुआ बर्फ जल का रूप ही धारण कर ले। जैसे जल की अवस्था तीन हो जाती है, ठीक इसी प्रकार से किसी भी वस्तु की ठोस, द्रव और अनिलचुल्य गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, तीन दशा होती है। इसी प्रकार से मानना होगा कि वस्तु का विलोप नहीं होता, अंतःकरण रूप उपाधि सुषुप्ति में भी बीज रूप में बनी रहती है, उसी में सुषुप्ति और स्वप्न के अनुभव के संस्कार पड़ते हैं। व्युत्थान दशा में स्वप्न का भी स्मरण होता है और सुषुप्ति का भी स्मरण होता है। सुखम हम अस्वापसम न किंचित अवेदिसम न मामप्यहम न ज्ञासिसम, मैं सुखपूर्वक सोया, मैंने स्वयं को भी नहीं जाना, मैंने कुछ नहीं जाना। इस प्रकार तो अंतःकरण की घनीभूत अवस्था सुषुप्ति है, उसी के योग से आत्मा का नाम प्रज्ञान घन है। प्रज्ञा को ही मुख्य उपाधि के रूप में मांडूक उपनिषद ने स्वीकार किया है। बहिष्प्रज्ञ, अंतःप्रज्ञ, घनप्रज्ञ, प्रज्ञान घन वहाँ पर कहा गया है, लेकिन कारिका और अन्यत्र प्रज्ञान घन को बहिष्प्रज्ञ अंतःप्रज्ञ की शैली में बोलेंगे तो क्या कहेंगे, घनप्रज्ञ। मूल में प्रज्ञान घन, लेकिन अन्यत्र हमको घनप्रज्ञ शब्द भी प्राप्त हुआ। प्रज्ञा ही जीव की मुख्य उपाधि है। जागृत में जीव कौन होता है, प्रज्ञ, बहिष्प्रज्ञ, मांडूक उपनिषद। स्वप्नावस्था में अंतःप्रज्ञ, सुषुप्ति अवस्था में घनप्रज्ञ, कारिका, मांडूक कारिका आदि की दृष्टि से प्रज्ञान घन शब्द का प्रयोग है
उसी को घन प्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ अंतःप्रज्ञ की शैली में अगर ढालेंगे तो घन प्रज्ञ शब्द की निष्पत्ति होती है। तो प्रज्ञा ही जीव की मुख्य उपाधि है। गीता में स्थित प्रज्ञ स्थिर प्रज्ञ यहाँ भी जीव की मुख्य उपाधि का अंकन किया गया प्रज्ञा के रूप में। बहिष्प्रज्ञ माने बाह्याभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त प्रज्ञा में तादात्म्यपन्न पुरुष का नाम हो गया बहिष्प्रज्ञ। अभ्यंतर प्रचार प्रसार से युक्त प्रज्ञा में तादात्म्यपन्न पुरुष का नाम हो गया अंतःप्रज्ञ। घनीभूता प्रज्ञा में तादात्म्यपन्न जो पुरुष है उसका नाम हो गया घन प्रज्ञ। प्रज्ञ घन प्रज्ञ अंतःप्रज्ञ बहिष्प्रज्ञ। प्रज्ञ शब्द से प्रज्ञा को हटा लेंगे तो क्या बचेगा? व्यक्ति मात्र ज्ञ तुरीय तत्। बहिष्प्रज्ञ अंतःप्रज्ञ घन प्रज्ञ प्रज्ञा के योग से हमारे तीन नाम हो गए। कौन कौन? भरद्वाज महर्षि भरद्वाज मुनि वसई प्रयाग। बढ़िया, धन्यवाद भट्ट। बहिष्प्रज्ञ माने बाह्याभ्यंतर या बाह्य प्रचार प्रसार से युक्त प्रज्ञा में एकीभूत तादात्म्यपन्न जो चिदात्म तत्व है उसका नाम हो गया बहिष्प्रज्ञ। अंतः प्रचार प्रसार से युक्त प्रज्ञा में तादात्म्यपन्न एकीभूत चिदात्म तत्व का नाम हो गया अंतःप्रज्ञ। घनीभूता प्रज्ञा में तादात्म्यपन्न एकीभूत चिदात्म तत्व का नाम हो गया घन प्रज्ञ। बहिष्प्रज्ञ अंतःप्रज्ञ घन प्रज्ञ ऋण माइनस प्रज्ञा बराबर क्या होगा? ज्ञान ज्ञप्ति मात्र चिदात्म तत्व। बहिष्प्रज्ञ अंतःप्रज्ञ घन प्रज्ञ से प्रज्ञा को हटा लेंगे तो आत्मतत्व निरुपाधिक ज्ञप्ति मात्र होकर शेष रहेगा। यह गणित की दृष्टि से वेदांत का वर्णन हुआ। एवमपि न सत्यात् सत्यस्य सिद्धिः असत्य से सत्य की सिद्धि नहीं हो सकती। इस प्रकार भी एक न सत्यात् सत्यस्य सिद्धि असत्य से भला सत्य की सिद्धि कैसे हो सकती है? स्वप्नावस्था में प्यासे व्यक्ति को गंगा जल मिल जाए, छक के गंगा जल पी ले, पी पी कर तृप्त तो हो ही जाता है। या तो स्वाप्निक पदार्थ का भी ज्ञान तो होता है, वो ज्ञान को तो मिथ्या नहीं कह सकते ना। विशिष्ट ज्ञान को मिथ्या कह भी देंगे तो स्वरूपभूत निर्विशेष ज्ञान को मिथ्या नहीं कह सकते, या ज्ञान हुआ ही नहीं ऐसा तो नहीं कह सकते। ज्ञान का विषय भले ही मिथ्या हो लेकिन ज्ञान नहीं हुआ ये तो नहीं कह सकते। नींद टूटने पर भी अत्र ब्रूमा इस संबंध में भाष्यकार भगवान पक्ष रखते हैं। यद्यपि स्वप्न दर्शनावस्थस्य इति यह भाष्यकार भगवान की पंक्ति का कुछ अंश है। स्वप्न दर्शनावस्थस्य स्वप्नावस्था में जो स्वप्न का दर्शन करता है अनुभविता है तेजस
जिसको व्यष्टि में कहते हैं, समष्टि स्वप्न के साक्षी का नाम हिरण्य गर्भ है, व्यष्टि स्वप्न के साक्षी का नाम तेजस है। तेजस जागृत में आत्मा का नाम क्या हो गया? वैश्वानर। स्वप्न में हिरण्य गर्भ तेजस, सुषुप्ति में क्या हो गया? प्राज्ञ। सर्वांतर्यामी सर्वेश्वर या मांडूक्य उपनिषद। वैश्वानर नाम अग्नि का है, हिरण्य गर्भ नाम सूर्य का है, और प्राज्ञ जब कहते हैं तो चंद्रमा की प्रधानता है। आत्मा अज है, लेकिन नामकरण ही करना हो तो अग्नि प्रधान नाम आत्मा का क्या हो गया? वैश्वानर। सूर्य प्रधान नाम क्या हो गया? हिरण्यगर्भ। सोम चंद्र प्रधान नाम क्या हो गया? प्राज्ञ। अग्नि सोम और पहले हो गए अग्नि, फिर सूर्य, फिर सोम। यह अग्नि सोमात्मकम विश्वम, अग्नि सोमात्मकम जगत जब कहते हैं तो सूर्य का अंतर्भाव किस में हो जाता है? अग्नि में, आग में। दूरस्थ अग्नि का नाम है सूर्य, समीपस्थ सूर्य का नाम है अग्नि। अच्छा वो है, अरे 10 किलोमीटर नीचे आ जाए सूर्य तो क्या होगा? हम लोगों का क्या होगा? गर्मी बढ़ जाएगी। गर्मी तो अभी नहीं पड़ती क्या? गर्मी ही पड़ेगी और कुछ नहीं मालूम। तो कुछ ऐसा भी है जो ना आप जानते हो? बैठ बैठ। समीपस्थ सूर्य का नाम ही अग्नि, दूरस्थ अग्नि का नाम ही सूर्य हो जाता। 10 किलोमीटर अगर नीचे की आ जाए सूर्य कुछ बचेगा? इसलिए दूरस्थ अग्नि का नाम ही सूर्य हो जाता है। समीपस्थ अग्निमंडल है, फिर सूर्यमंडल है, फिर सोममंडल है, फिर अग्निमंडल है। अग्नि तत्व से संपुटित सूर्य और चंद्रमा हैं। ये क्या है? दर्शन शास्त्र का विज्ञान। नीचे भी अग्नि, ऊपर भी अग्नि, बीच में क्या? सूर्य और चंद्रमा। पृथ्वी लोक अग्नि प्रधान है, अंतरिक्ष वायु प्रधान है, स्वालोक क्या है? सूर्य प्रधान है, ऊपर चंद्रमा है, फिर ऊपर अग्नि, नीचे भी अग्नि, ऊपर भी अग्नि, बीच में कौन है? सूर्य और चंद्र। अग्नि से संपुटित सूर्य और चंद्र होते हैं। जल की प्रधानता से सोम, आग की प्रधानता से सूर्य होते हैं। सूर्य चंद्रमा का रूप धारण कर लेते हैं, चंद्रमा सूर्य का रूप धारण कर लेते हैं। होता है जीवन, सूर्य जो है चंद्रमा, चंद्रमा जो है अग्नि का रूप धारण कर ले, और अग्नि चंद्रमा का रूप धारण कर ले। कभी हुआ है? बृहदारण्यक में आगे आएगा उदाहरण, वो नहीं दिया जाएगा। जब हम बोलते हैं तब मन वाक इंद्रिय से एकीभूत हो जाता है, तो मन के देवता चंद्रमा, वाक इंद्रिय के देवता अग्नि से एकीभूत हो गए। जब हम मनन करते हैं तब क्या होता है? वाक इंद्रिय मन से एकीभूत हो जाए तो अग्नि जो है चंद्रमा से एकीभूत हो जाते। हुआ या नहीं? अग्नि चंद्रमा से एकीभूत हो जाते, चंद्रमा अग्नि से एकीभूत हो जाते। कभी चंद्रमा की प्रधानता होती मनन के समय, मनोनिष्ठ वाक इंद्रिय ना हो तो मनन कैसे करेंगे? मनोयोग ना हो तो बोलेंगे कैसे? बोलते समय क्या हो गए? चंद्रमा अग्नि से एकीभूत हो गए, मनन करते समय अग्नि चंद्रमा से एकीभूत हो गए। कभी अग्नि में चंद्रमा की आहुति हो जाती है, कभी चंद्रमा में अग्नि की आहुति हो जाती है।
यद्यप स्वप्न दर्शन अवस्था से ही लौकिको ही सुप्तोत्थितोपगम्यम बाधितम मन्यते न तत् अवगतिम। लौकिक भी व्यक्ति सुप्तोत्थित नींद से जग जाने पर स्वप्नावस्था को बाधित मानता है, ठीक ही है, न तत् अवगतिम, लेकिन स्वप्न का ज्ञान नहीं हुआ या स्वाप्निक पदार्थ का ज्ञान नहीं हुआ, इतने समय तक सोने का ज्ञान नहीं हुआ, ये तो नहीं कह सकते। अवगति के मिथ्यात्व का निरूपण नहीं है, अवगति के विषय के मिथ्यात्व का निरूपण है। नींद टूट जाने पर स्वप्न का मिथ्यात्व तो सिद्ध हो गया, लेकिन स्वप्न में जिन जिन पदार्थों का ज्ञान हुआ उन उन पदार्थों का ज्ञान नहीं हुआ, ये तो नहीं कह सकते। अवगति का मिथ्यात्व नहीं, अवगति माने बोध ज्ञान। लौकिको ही सुप्तोत्थितोपगम्यम बाधितम भवति, अवगम्य अवगति, अवगम्य माने अनुभाव्य, अनुभव का विषय, अवगति माने अनुभूति। इस कमरे में कहाँ गए चुलबुल, इस कमरे में अवगम्य कौन कौन है, नहीं मान अवगति कुछ है नहीं, बैठ। अवगम्य माने अनुभव का विषय, अवगति माने अनुभव, ठीक। अवगम्य माने गम्य, अवगम्य, अवगति। अवगम्य का अर्थ होता है अनुभाव्य, अनुभव का विषय। अवगति का अर्थ होता है अनुभूति। लौकिको ही सुप्तोत्थितोपगम्यम बाधितम मन्यते न तत् अवगतिम। लौकिक व्यक्ति भी व्युत्थान दशा में नींद टूटने पर अनुभव के जो भी विषय थे स्वप्न में उनको मिथ्या मानता है, लेकिन हमको अनुभूति नहीं हुई उसकी अवगति का मिथ्यात्व तो वो भी स्वीकार नहीं करता, यह अभिप्राय। तब क्या हुआ, पंचदशी कार ने जो प्रथम प्रकरण की रचना की, जितने ग्रंथों के अध्ययन का बल होगा एक प्रकरण लिखने में, जो जो हम भाष्य पढ़ते हैं पढ़ाते हैं क्यों त्यों पंचदशी कार विद्यारण्य स्वामी के प्रति और आस्था बढ़ती जाती है। 15 प्रकरण की रचना में उनके गुरु जी की रचना अंतिम प्रकरण होते हैं ये भी है, लेकिन 15 प्रकरण से युक्त जो पंचदशी है केवल पहले प्रकरण को ले लें तो कितना अध्ययन होगा। क्या सिद्ध किया पंचदशी कार ने प्रथम प्रकरण में, विषय के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता, अवस्था के भेद से ज्ञान में भेद नहीं होता, ज्ञान का ज्ञानांतर भाषक नहीं होता, अतएव ज्ञान एक और स्वप्रकाश होता है, जो एक और स्वप्रकाश होता है उसमें आत्मा होने की योग्यता होती है, जो आत्मा है परप्रेमास्पद है, परप्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। इस प्रकार शब्द ज्ञान, स्पर्शक ज्ञान, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, गंधक ज्ञान, ज्ञान 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 की क्या सिद्ध हो गई, क्या सिद्धि हो गई, आत्मरूपता और एक रूपता, ज्ञान की स्वप्रकाशता सिद्ध हो गई, एक रूपता सिद्ध हो गई, नित्यता सिद्ध हो गई। जो एक हो, नित्य हो, स्वप्रकाश हो, आत्मा है, आत्मा होने के कारण परप्रेमास्पद है, परप्रेमास्पद होने के कारण परमानंद स्वरूप है। इस प्रकार लक्षण साम्य से वस्तु साम्य, तो हमारे जीवन में जो ज्ञान है उसकी ब्रह्मरूपता सिद्ध हो गई, केवल ज्ञान को ही ब्रह्म सिद्ध कर दिया, घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, शब्द ज्ञान इत्यादि की ब्रह्मरूपता सिद्ध हो गई। क्या हुआ, सो गए, कुछ हुआ, ये लो हेल हो गया।
सुप्तोत्थितोवगम्यं बाधितं मन्यते न तत् अवगति। नींद से निद्रा से व्युत्थान दशा को प्राप्त स्वप्न से व्युत्थान दशा को प्राप्त जगा हुआ व्यक्ति स्वप्न में जिन जिन पदार्थों का अवगम हुआ उन उन पदार्थों को बाधित मिथ्या समझता है, लेकिन उन पदार्थों की अनुभूति अवगति को मिथ्या नहीं मानता। तेन यद्यप परीक्षका अनिर्वाच्य रूषितामवगतिम अनिर्वाच्याम निश्चिन्वन्ति तथापि लौकिकाभिप्रायणेव तदुक्तम यक्वा। इस प्रकार से कहाँ था, तेन यद्यप परीक्षका अनिर्वाच्य रूषिताम अवगतिम अनिर्वाच्याम निश्चिन्वन्ति तथापि लौकिकाभिप्रायणेव तदुक्तम। ये जो परीक्षक हैं, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने वाले, ये उनके बारे में कहा। ज्ञान को भी केवल जो परीक्षक हैं, प्रामाणिक रीति से निरीक्षण परीक्षण करने वाले, उनकी दृष्टि से विचार करें तो वह जो ज्ञान है विशिष्ट कोटि का, उसकी सद्रूपता सिद्ध नहीं होती। ज्ञान को भी केवल अविवेकी पुरुष की दृष्टि से ही सत्य कहा जाता है, विवेचक परीक्षक की दृष्टि से नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ, स्वप्नावस्था में जो घटपट गज अश्व इत्यादि का विशिष्ट ज्ञान होता है, वो गेय घटपट गजादि के समान ही अनिर्वाच्य होता है। विशिष्ट ज्ञान का मिथ्यात्व तो सिद्ध है, लेकिन ज्ञान का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं। घटक ज्ञान मिथ्या होने पर भी केवल ज्ञान मिथ्या नहीं, पटक ज्ञान मिथ्या होने पर भी केवल ज्ञान मिथ्या नहीं, घटपट के मिथ्या होने पर भी ज्ञान मिथ्या नहीं। विशिष्ट जो ज्ञान है उसका मिथ्यात्व निश्चित होने पर भी स्वप्नावस्था में गज का ज्ञान हुआ तो गज के मिथ्यात्व से गजक ज्ञान का मिथ्यात्व भी सिद्ध हो गया, लेकिन ज्ञान मात्र का मिथ्यात्व सिद्ध नहीं हुआ। विशेषण से युक्त जब ज्ञान होगा तो विशिष्ट ज्ञान होगा, तो विशेषण के मिथ्यात्व से विशिष्ट ज्ञान भी मिथ्या सिद्ध होगा, लेकिन निर्विशेष ज्ञान की आत्मरूपता सिद्ध होगी। ऐसा परीक्षकों की दृष्टि में विशिष्ट ज्ञान भी अनिर्वचनीय है। अनिर्वचनीय माने सत्यत्वेन असत्यत्वेन उभयत्वेन जिसका निर्वचन प्रतिपादन संभव न हो। यद्यप परीक्षका तेन यद्यप परीक्षका निर्वाच्य रूषिताम अविगतिम अनिर्वाच्याम निश्चिन्वन्ति तथापि लौकिकाभिप्रायेणैव तदुक्तम। लौकिक अभिप्राय से ही ऐसा कहा है। अत्रांतरे लौकायतिकानां मतम अपाकरोति। लौकायतिक लोकायतिक भी बोलते हैं, लौकायतिक लौकायतिक माने चार वाक लोक में फैले हुए। बहुमत किसका होगा, चार वाकों का होगा। देहात्मवादी ही रहेंगे हर समय तो बहुमत के बल पर तो फिर हम लोग कभी जीत ही नहीं सकते। लौकायतिक माने लोक में, लोकायतिक लोक में व्याप्त फैले हुए। कलयुग में तो फिर क्या कहना, बहुमत किनका होगा। कृतयुग सब ज्ञानी विज्ञानी वो छोड़ दें थोड़ी देर के लिए, इस समय कौन होगा, बहुमत किसका होगा, उन्हीं का होगा देहात्मवादियों का।
लोकायतिक का अर्थ हुआ लोक में व्याप्त फैले हुए। इसका अर्थ क्या है, बहुमत के आधार पर अगर काम हो तो फिर मस्तिष्क का ऑपरेशन करना हो वहाँ बहुमत देखा जाएगा या कोई विशेषज्ञ होगा मस्तिष्क का, उससे ऑपरेशन कराया जाएगा। क्या गणित का जो विशेषज्ञ होगा उससे गणित पढ़ेंगे या अन्यों से? कहीं कहीं बहुमत को ध्यान न रखकर एक व्यक्ति को महत्व दिया जाता है जो उस विषय का विशेषज्ञ होता है, लेकिन बहुमत किसका है? लोकायतिक, लौकायतिक, लोक में जो फैले हुए हैं। लोकायतिक क्यों कहा गया? कृतयुग में सतयुग में भी शास्त्र के जो अनभिज्ञ हैं, दूर हैं, परंपरा प्राप्त संस्कार जिनका वो ठीक से प्राप्त नहीं है, वो क्या देहात्मवादी ही होते हैं, उन्हीं की प्रधानता होती है। इसे लोकायतिक, लोकायतिक बने लोक में फैले हुए। क्यों? बृहदारण्यक में कहा गया कर्म और ज्ञान को विकसित करने का एक ही मार्ग है वेदादि शास्त्र। अगर वेदादि शास्त्र को स्वीकार न करें तो कर्म और ज्ञान को विकसित करने की विधा भौतिकवादियों के पास है ही नहीं। देहात्मभाव भावित कर्म और ज्ञान यही तो भौतिकवादियों की देन है। भौतिकवादी भी अपने ज्ञान और कर्म को विकसित करना चाहें तो नान्य पंथा विद्यते या नाया, उनको भी वेदादि शास्त्रों का आलंबन ही लेना पड़ेगा। इस यांत्रिक युग में भी वेदादि शास्त्रों की क्या उपयोगिता है भरद्वाज जी? बढ़िया, कम बोलते हैं। अच्छा, भौतिकवादियों के ज्ञान और कर्म विकसित होते या अध्यात्मनिष्ठों के? ठीक, तो भौतिकवादी क्या ये सब बुद्धू लोग हैं जो पढ़ रहे हैं, तो क्या उत्तर दोगे आप? क्या उत्तर दोगे? आप ही के मित्र लोग पुराने कह दें कहाँ फंस गए बुद्धू लोगों के बीच में, तो क्या उत्तर दोगे? हाँ, लोक भी सार्थक, परलोक भी सार्थक, परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग भी प्रशस्त, तो बुद्ध हुए ना, उनका लोक भी सार्थक नहीं होता। कहाँ लिखा है? श्रीमद् भागवत 4:18, 3:1-3:4। बैठो भाई, कोई भौतिकवादी बताइए जिसका लोक सार्थक होता हो। कोई ऐसा भौतिकवादी बताइए जिसको भूतों का ज्ञान हो। भौतिकवादी नाम है या भौतिकवादी होता भी कोई? भूत माने कौन? श्मशान वाला? श्मशान वाले भूत को भूत क्यों कहते हैं वो बताओ भाई, उत्तराखंड वाले? ये सुन ही नहीं रहे। अच्छा, वो है मतलब, हमने सब जाए इनको, ये तो उड़ीसा के। हाँ, श्मशान के भूत को भूत क्यों कहते हैं? इधर ये बहुत, अरे हमने प्रश्न किया, उत्तर क्या देना नहीं मालूम। बैठ, श्मशान के भूत को भूत क्यों कहते? काल्पनिक हैं, मन कल्पित हैं, उनकी कोई योनि नहीं होती, भूत प्रेत योनि नहीं होती। इस बात को काटने के लिए भूत का, भूत माने सिद्ध, भूत भूतानि यान्ति भूतेज्या, भूत योनि है वो कोई काल्पनिक शरीर नहीं, सचमुच में कर्म के फलस्वरूप भूत योनि भी प्राप्त हो सकती है, इसलिए भूत को भूत कहते। भूत माने यथार्थ, भूतकाल वो अलग बात, भूत का अर्थ होता है यथार्थ, भूत का अर्थ हुआ यथार्थ। तो भौतिकवादी भी क्यों नहीं होते?
क्योंकि उनको पांच भूतों का ज्ञान ही नहीं होता तो भौतिकवादी क्या कहेंगे। अध्यात्मनिष्ठ व्यक्ति भूतों का विशेषज्ञ हो गया है होगा या भौतिकवादी भूतों का विशेषज्ञ होगा। भौतिकवादियों को न पृथ्वी का ज्ञान ठीक से, न जल का, न तेज का, न वायु का, न आकाश का। नाम है भौतिकवादी, भूतों का ज्ञान भी उनको नहीं होता। अध्यात्म अच्छा, कौन कार्य कौन कारण यह भी निकाल पाना कठिन है। पृथ्वी कारण है या जल कारण, जल का कारण पृथ्वी या पृथ्वी का कारण जल। पृथ्वी के खोदने से जल की प्राप्ति होती है, वो कौन सा भाव है, निमित्त नैमित्तिक भाव। और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, उपादानुपादेय भाव। कहाँ निमित्त नैमित्तिक भाव है, कहाँ उपादानुपादेय भाव है। काष्ठ के घर्षण से, पत्थर के टकराने से आग की उत्पत्ति होती है, वो निमित्त नैमित्तिक भाव है। और अग्नि से जल, जल से पृथ्वी की उत्पत्ति होती है, उपादानुपादेय भाव। कहाँ निमित्त नैमित्तिक भाव है, कहाँ उपादानुपादेय भाव है, इसका ज्ञान भी भौतिकवादियों को कहाँ। एक ही समस्या आज ध्यान आया हमको, वैज्ञानिकों से अनुरोध किया हमने, 4 किलो मिट्टी को लीजिए, यंत्र के द्वारा प्रेशर डालकर उसके गंध को खींच करके जल बना के दिखाइए। तो कन्नौज वाले जो होते हैं इत्र निकालते हैं, तो पृथ्वी से गंध निकाल लेने पर पृथ्वी राख हो जाती है मिट्टी, उतनी मिट्टी। पृथ्वी को अग्नि तो बना सकते हैं, जल कैसे बनावे। तो अब तक भौतिकवादियों के यहाँ से कोई उत्तर आया क्या, नहीं आया। हाँ मिट्टी का भी इंत्र बनाते हैं। हाँ वही तो कह रहे हैं, सेंट इंत्र, उसमें मिट्टी की सुगंध होती है। हाँ वो तो कहा ही। हाँ वो तो मैंने कहा ही, लेकिन वो कैसे फिर जब उसमें से गंध निकाल लेते हैं, मिट्टी का जो इंत्र बनाते हैं तो मिट्टी की सुगंध आती है। हाँ तो कहा ही, तो गंध जो निकाल लिए तो वो क्या बन जाता है, अवशिष्ट मिट्टी राख के रूप में हो जाती, राख जैसे। इसीलिए मिट्टी को अग्नि का रूप तो दे देंगे, गंध को खींच करके जल का रूप दे दीजिए, हमने समस्या अच्छी होती है, सुगंध अच्छी होती है, उसकी सेंट बहुत अच्छा होता है। तो मिट्टी से जो इत्र निकालते हैं, गंध नामक गुण को खींच लेते हैं, उतनी मिट्टी राख के समान हो जाती है। एक प्रकार से मिट्टी को गंध विहीन कर देने पर उसको राख का रूप दिया जा सकता है। हमने कहा मिट्टी को जल का रूप दीजिए, 4 किलो मिट्टी रख करके उसके गंध नामक गुण को प्रेशर डालकर खींच के जल बना के दिखाइए। कठिन काम, इसलिए अनिर्वाच्य हो गया, तथापि हो गया। अत्रांतरे लौकायितिका नाम मतम अपाकरोति एतेन स्वप्न दिशोवगत्यवगा बाधे नहीं थी। लोकायतिक का अर्थ क्या हुआ, लोक में व्याप्त। एते न स्वप्न निशोभ गत्यवा गति अबाधने न इति। स्वप्न में जो दृष्टा होता है, स्वप्न दृष्टा, उसकी अवगति, स्वाप्निक पदार्थ का जो उसे ज्ञान प्राप्त होता है, उसका बाध नहीं होता। अर्थात ज्ञान तो ज्ञान ही रहता, विशिष्ट ज्ञान का मिथ्यात्व मान सकते हैं, लेकिन केवल ज्ञान का मिथ्यात्व नहीं। सामान्य नियम है कि स्वप्न टूट जाने पर जो जो दृश्य देखा सबके प्रति मिथ्यात्व बुद्धि उदित हो सकती है, लेकिन हमने ऐसा नहीं देखा यह नहीं कह सकते। तो ज्ञान तो सत्य ही हो गया, ज्ञेय का मिथ्यात्व सिद्ध होने पर। स्वप्न तो मिथ्या है, लेकिन स्वप्न में ऐसा ज्ञान हुआ, इसको तो मिथ्या नहीं कह सकते। यदा खल्वयं खल्वयं चैत्रस्ताक्षवीं, चैत्र नामक व्यक्ति
व्यात विकट दंष्ट्राकराल वदनाम मुत्तब्ध विभ्रमन मस्तकावत चुंबिका चुंबिलांगुला मतिरोसारु रुण ध्वस्त विशाल वृत्तलोचनाम रोमांच संचयोत्फुल्ल भीषणाम स्फटिकाचल भित्ति प्रतिबिंबिताम अभ्यमित्रीणाम तनुमास्थाय स्वप्ने प्रतिबुद्धो 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 मानुषीम आत्मनस्तनुं पश्यति तदो भयदेहानुगतमात्मानं प्रतिसंदधानो देहातिरिक्तमात्मानं निश्चिनोति न तु देहमात्रं तन्मात्रत्वे देहवत् प्रतिसंधानाभाव प्रसंगात्। यहाँ बिल्कुल साहित्य को दर्शन को एक कर दिया वाचस्पति मिश्र जी ने। इसका नाम क्या है? सजीव चित्रण। ऐसे चित्रण का नाम क्या हुआ? सजीव चित्रण। जैसे कहते हैं आँखों देखा हाल। स्वप्नावस्था में चैत्र नामक व्यक्ति तरक्षु, तरक्षु का अर्थ होता है व्याघ्र। चैत्र नामक व्यक्ति को स्वप्न हुआ, वो स्वप्न में अपने आप को व्याघ्र बना हुआ देखता है, तरक्षु हो जाता है। तरक्षु माने व्याघ्र हो जाता है। कभी कभी व्याघ्र अपने आप को देखता है। अब उसको व्याघ्र कैसा व्याघ्र हुआ? जिसका मुख बिल्कुल पूरा खुला हुआ है, ऐसा विकराल दाढ़ें हैं विशाल, दाढ़ें एकदम निकल रहे, एकदम जैसे मुँह चबा ही जाएगा, क्रोध से बिल्कुल प्रचंड क्रोधातुर हो रहा है। लांगुल भी जिसकी बहुत बड़ी है पूँछ, और आकाश में ऊपरियों तान करके फिर वो क्यों करता है यहाँ ऐसे करके फिर यूँ धनुषाकार बना लेता है लांगुल को ऐसा, और देख रहा हो तो लगता है कि दोनों आँखों से अंगारे निकल रही हैं, ऐसा धनुषाकार उसकी झुकी हुई पूँछ होती है, यूँ मस्तक होती है, रोंगटे उसके खड़े हैं, माने एकदम आक्रमण करने के लिए तैयार है। स्फटिकमय पर्वत की चमकीली स्वच्छ भित्ति में प्रतिबिंबित सा है एकदम, जिसकी जो मुद्रा है बिल्कुल अपने जिसको शिकार बनाना चाहता है उसके संभार के बिल्कुल उद्यत है, अनुकूल है एकदम। ये कौन बना? चैत्र नामक व्यक्ति वासना की प्रगल्भता से स्वप्न में ऐसा व्याघ्र बन गया जैसा वामतिकार ने बताया। यह कहा तथापि का प्रतिबुद्धो मानुषीम आत्मानम आत्मना स्तनुम तनुम पश्यति, लेकिन जब वो स्वप्न टूट जाता है तब अपने आप को मनुष्य शरीर में पूर्वत पाता है। तदो भय देहानुगतमात्मानं प्रतिसंदधानो, अब शरीर तो यहाँ का यहाँ है, स्वप्नावस्था का शरीर व्याघ्र का था, तो शरीर में तो भेद हो जाने पर भी जिसे यह शरीर प्राप्त है उसी जीव को स्वप्न में व्याघ्र का शरीर प्राप्त हुआ, तो देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्रसक्ति नहीं होती। तो चारवाक लोकायतिकों का जो मत है देहात्मवाद, उसका निरसन या निराकरण अपने आप हो गया। स्वप्न का शरीर टूट गया, किसी व्यक्ति की आयु 75 वर्षों की पूर्ण हो गई, कल्पना कीजिए 75 वर्षों की अवधि में एक एक वर्ष में उसने 10 ही स्वप्नों को देखा हो, तो 75 वर्ष की आयु मैं 750 स्वप्न के शरीर उसके नष्ट हो गए, फिर भी अपना नाश तो नहीं मानता। शरीर के नाश से आत्मा का नाश नहीं, शरीर के भेद से आत्मा में भेद की प्राप्ति नहीं हुई, सिद्ध हो गया या नहीं?
एक आया स्वामी जी को याद हो गंगा सागर में, रात के 11 बजे लगभग कम्युनिस्ट आए थे, आप थे उस समय, जयमंत में से भी थे, एमएलए थे कोई, लगभग वृद्ध थे 50 ऊपर के ही होंगे, 60-70, जयमंत मिश्र जी भी उस बार थे, छिप के आया रात को, कहा महाराज मैं कम्युनिस्ट पार्टी का हूँ, नास्तिक हूँ, मेरी पार्टी वाले जान जाएंगे कि मैं आपके पास आया हूँ, पहले शिविर, पहले जो गंगा सागर में लगाया था प्रथम उस समय, तो मुझे पार्टी से निकाल देंगे, शायद कहा कि ब्राह्मण हूँ, घोर नास्तिक हूँ, मेरे पास अधिक समय नहीं है, 5 मिनट की सीमा में मुझे नास्तिक श्रवण को आप आस्तिक बना दें तो समझ लूँ, 5 मिनट है मेरे पास, बैठा रहा फिर लगभग आध घंटा, आस्तिक बन के गया, हमने कोई नाम पता ये सब नहीं लिखा, बाद में हमको पता चला इतना आस्तिक हो के गया कि पार्टी वार्टी छोड़ के सब अपना भजन करने लगे, ऐसे ही यहाँ हुआ, देह के भेद से जीव में भेद नहीं, देह के नाश से जीवात्मा में नाश की प्रसक्ति नहीं, स्वप्नावस्था में चैत्र नामक व्यक्ति स्वयं को विकराल व्याघ्र के रूप में देखता है, या पट्टा मारने वाला, स्वप्न टूट जाने पर फिर मनुष्य शरीर में अपने आप को पाता है, तो देह में तो भेद हो है ही, स्वप्न का शरीर कौन व्याघ्र का बना, इस समय फिर मनुष्य का शरीर है, लेकिन स्वप्न के उस व्याघ्र शरीर से जो पराक्रम उसने दिखाया उसकी स्मृति किसको होगी, स्वप्न के शरीर को तो होने से रही, इसलिए देह के भेद से जीवात्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती, देह के नाश से जीवात्मा का नाश नहीं होता, अनुभविता स्मरता में एकत्व चाहिए, तो देह केवल देह को लेकर अनुभव भी नहीं स्मरण भी नहीं, एतावता कोई ऐसा तत्व है जो देह के भेद से भिन्न नहीं होता, देह के नाश से नष्ट नहीं होता, देहातिरिक्त मात्मानम निश्चिन्न होती न तु देह मात्रम, इस प्रकार से वह जो चैत्र नामक व्यक्ति, अरे स्वप्न में तो मैं व्याघ्र हो गया था, ऐसा पराक्रम दिखाने वाला अत्यंत क्रूर, हाँ इस समय फिर मनुष्य शरीर में हूँ, इससे लगता है कि वो शरीर टूट जाने पर, स्वप्न के नष्ट हो जाने पर भी अगर मेरा नाश ही हो गया होता तो स्वप्न का स्मरण कैसे प्राप्त होता, इससे सिद्ध होता है कि देह के नाश से मुझे जीवात्मा का नाश नहीं होता, कोई ऐसा तत्व हूँ जिसका नाश नहीं होता, और देह के भेद से मुझे मैं कोई ऐसा तत्व हूँ जिसमें तत्वता भेद की प्राप्ति या प्रसक्ति नहीं होती, तन्मात्रत्व देहावत प्रतिसंधान अभाव प्रसंग, अगर वो शरीर मात्र ही होता तो इस प्रकार का प्रतिसंधान परामर्श कैसे होता, जो मैं स्वप्न में व्याघ्र बना वही इस समय मनुष्य शरीर में स्वयं को पाता हूँ, तो इसका मतलब देह के भेद से प्रतिसंधाता प्रतिसंधान करने वाला अनुभविता स्मरता जो है, देह के भेद से जीवात्मा में भेद संभव नहीं, इसीलिए तो स्वप्नावस्था में जो शरीर प्राप्त हुआ वो इस समय न होने पर भी स्वप्नावस्था की गाथा का व्यक्ति वर्णन करता है या स्मरण करता है, कथम चेतत उपपद्येत, यदि स्वप्न दिशो अवगति अबाधिता स्यात् तद्वाधे तु प्रतिसंधाना भाव इति, असत्याच सत्य प्रतीति श्रुति सिद्धावन्य सिद्धावन्वय व्यतिरेक सिद्धाइत्या, असत्य से सत्य की प्रतीति होती है, स्वप्नावस्था में जो भी घटना घटी, घटना मिथ्या होने पर भी घटना की जो अवगति हुई, घटना का जो ज्ञान हुआ,
वह तो मिथ्या नहीं कह सकते। असत्य से भी सत्य की सिद्धि होती है। स्वप्नावस्था की प्यास स्वप्नावस्था के पानी से निवृत्त हो जाती है। असत्याच सत्य प्रतीति ही, असत्य से भी सत्य की प्रतीति होती। इसकी व्याख्या बृहदारण्यक में अपने ढंग से बहुत बढ़िया है। स्वप्नावस्था में कोई सौभाग्यशालिनी देवी का दर्शन हो जाए मातृशक्ति का, मानो मनोरथ पूर्ण हो जाएगा। स्वप्नावस्था में विकराल दांतों वाला, काले दांतों वाला व्यक्ति दिख जाए तो भयंकर विपत्ति आएगी। इस प्रकार से स्वप्नावस्था में कोई मुंडन नाई नापित बाल बना राव ऐसा देखे तो बहुत बड़ा विप्लव होगा। कुछ गुरुदेव ने बताया कि तिहाड़ जेल में जो लाठी का प्रहार हुआ था, कुछ गुरुदेव ने स्वप्न में देखा था कि कोई नापित उनका बाल बना रहा है। तो भगवान लोगों ने संतों ने इसे बचा लिया, लेकिन आँख में तो डंडे लोहे के छड़ का अंश पहुँच गया था। उसी वेदना में बाद में शरीर भी छोड़ा। तिहाड़ जेल में खूनी कैदियों को 24 घंटे बेरी हथकड़ी से मुक्त करके लोहे का डंडा दे दिया गया था। इंदिरा गांधी कोई थी उनके शासनकाल में कुछ गुरुदेव को मरवाने के लिए, गोरक्षा की दृष्टि से तिहाड़ जेल में बंद थे गुरुदेव, ऐसा भी हुआ। एक विनोबा भावे थे या नहीं, कोई थे? नेहरू जी को अपना बड़ा भाई मानते थे, इसलिए इंदिरा जी विनोबा जी को चाचा बोलती थी। जब पूज गुरुदेव आदि महापुरुषों ने गोरक्षा का अभियान चलाया 7 नवंबर 1966 विनोबा जी ने कुछ टिप्पणी ऐसी कर दी कि सरकार को गोली चलाने का अवसर मिल गया। लेकिन जब सत्याग्रह शिथिल पड़ गया तब विनोबा जी ने अनशन किया गाय की रक्षा के निमित्त। इंदिरा जी ने क्या कहा मालूम है? अब चाचा नहीं, मैं भतीजी नहीं, जेल के सिकंजे में बाबा सर के मरना हो तो गाय की चर्चा करो। अंत में जेल में डाला, अंत में कराह करके अनशन करके विनोबा जी ने शरीर छोड़ दिया। वह देश है भारत, कौन सा देश है? विनोबा जी को भी अनशन करके कराहते हुए शरीर छोड़ना पड़ा। एक बार सरकार के मुंह में मुख खोलने का ये दंड मिला। क्या जाट कहे सुन जाटनी, जाए गांव में रहना, ऊँट बिलाई ले गई तो हाँ जी कहना। जाट ने अपनी पत्नी को समझाया, जाटिन को, जिस गांव में रहना उसका मुखिया कहे कि मेरी आंखों के सामने बिल्ली ऊँट को लेकर भाग गई, मैं उस समय साक्षी था, देख रहा था, बिल्कुल ठीक करे मुखिया जी। जाट कहे सुन जाटनी, जाए गांव में रहना, ऊँट बिलाई ले गई तो हाँ जी कहना, मेरी आंखों के सामने की बात है। वो जो बिल्ली थी ना, वो बिल्ली ऊँट को लेकर भाग गई। फिर लोगों ने कहा कैसी बात हाँकते, अरे भाई हमको गाँव में रहना है ना। गांव के सरपंच साहब ने कह दिया ऐसा तो मैं ना कहूँगा तो फिर मारा जाऊँगा ना, ऐसा। इसीलिए कहा कथम चैत उपपद्यता यदि स्वप्न दिशो वगति अबाधिता से तदवाधे तो प्रतिसंधाना भावा। स्वप्न का शरीर तो छूट जाता है, प्रतिसंधान किसके बल पर होता है? तो कहा असत्याच सत्य प्रतीति, इसी पे मैंने उदाहरण दिया। पूज गुरुदेव ने कहा स्वप्न में नापित मेरे बाल बना रहा था, उसका फल देखो तिहाड़ जेल में वो घटना घटी। तो यद्यपि स्वप्न मिथ्या है लेकिन उसमें जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं वो जागर दशा में सत्य घटना को द्योतित कर देते हैं। असत्याच सत्य प्रतीति, असत्य से भी कभी कभी सत्य की प्रतीति होती है।
यहाँ घट आदि शब्द आदि तो असत हैं, लेकिन उनसे भी घटक ज्ञान, पटक ज्ञान, शब्द ज्ञान, स्पर्श ज्ञान, रूपक ज्ञान, रस ज्ञान, गंधक ज्ञान, तो ज्ञान तो सत्य ही है। विशिष्ट ज्ञान में विशेषण निमित्तक मिथ्यात्व की प्रसक्ति होने पर भी निर्विशेष ज्ञान तो सत्य ही है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् जगद्गुरु शंकराचार्य भगवान की जय हो।